हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने जा रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर में वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जो यदि हम किसी जिस भी एग्जाम की बात करें, चाहे हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें, शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंतर्गत यदि हम सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, ये तीनों ही कैटेगरी की बात करें तो ये तीनों में ही कंप्यूटर से आपके प्रश्न आने वाले हैं। या फिर सीजे व्यापन द्वारा आयोजित जो हॉस्टल वार्डन की परीक्षा होने वाली है या फिर जो अन्य परीक्षाएं जो सीजे व्यापन द्वारा ली जाती हैं, उन सभी एग्जाम में आपके कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए लाभदायक होने वाली है। सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी क्लास साबित हो सकती है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगी और वो ये है कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में यदि हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में ऑफर रखा गया है। ऑफर क्या रखा गया है? तो महा डिस्काउंट ऑफर रखा गया है और महा डिस्काउंट ऑफर के अंतर्गत आपको 80% तक की छूट मिल रही है। और इस 80% तक की छूट के लिए आपको करना क्या है, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी आपको लिंक, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यदि इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो है 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं, आपको जिस भी प्रकार की जानकारी चाहिए। लेकिन ये आपको ये जो महा डिस्काउंट ऑफर है उसकी वैलिडिटी आज समाप्त होने वाली है, यानी कि आप ये आज लास्ट डे ही है, अंतिम एक दिन जो शेष था तो वो आज वो अंतिम दिन है। तो अब ज़्यादा समय मत लगाइए क्योंकि जब तक आप तक ये वीडियो पहुँचेगी तो कुछ ही घंटे बचे रहेंगे ये महा डिस्काउंट ऑफर समाप्त होने के लिए। तो यदि आपको ये 80% तक की छूट का लाभ चाहिए तो आप जल्द कीजिए, ज़्यादा विचार ना करें और अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ जुड़ करके, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ के साथ में जुड़ करके। तो ये जानकारी रही है, आशा है आप लोगों के लाभ की होगी। चलिए फिर हम आ जाते हैं अपनी क्लास पर। तो आज का हमारा कंप्यूटर का जो टॉपिक है वो है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने आंसर्स को अपने मन में सोचिए और उसके बाद में वीडियो को स्टार्ट कीजिए और देखिए मिलाइए कि क्या आपने सही सोचा है और इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को, पूरे प्रश्न आप लोगों को दिख रहे होंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है? लेजर बीम, प्रकाशी ड्रम, आवेशित स्याही टोनर, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए लेजर प्रिंटर में क्या प्रयोग किया जाता है? तो लेजर प्रिंटर में आपने पढ़ा होगा कि लेजर बीम का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? लेजर बीम का प्रयोग होता है और किसका प्रयोग होता है? प्रकाशीय ड्रम का भी प्रयोग होता है। ठीक है, लाइट ड्रम भी यूज में आती है, साथ में टोनर भी यूज में आता है, इसका मतलब आवेशित स्याही टोनर भी यूज करते हैं हम। तो लेजर प्रिंटर में इसका मतलब जब ये तीनों ही चीजें यूज में आती हैं, इसका मतलब प्रयुक्त सभी हमारा आंसर बनेगा, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है, मैकेनिकल डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिकल डिवाइस, क्या चीज नहीं है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, प्रचालन तंत्र या इनमें से कोई नहीं। बताइए मैकेनिकल डिवाइस इसमें से क्या नहीं है? तो यदि हम मैकेनिकल डिवाइस मतलब कि जो बिजली से नॉर्मली जो चल रही है, ठीक है, तो प्रिंटर बिल्कुल बिजली से चल रहा होता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मैकेनिकल डिवाइस की बात पूछी जा रही है, यंत्र सामग्री नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो प्रचालन तंत्र होता है,
तो ये कोई भी यंत्र सामग्री नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। क्या क्या आउटपुट आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि आउटपुट डिवाइस क्या है, ठीक है, क्या है? मॉनिटर व प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सीडी, फ्लॉपी, स्कैनर, प्रिंटर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए हमारा करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो आउटपुट डिवाइस की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है उसमें, और आउटपुट निकल करके आता है। आउटपुट अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हो, देख रहे हो कि नहीं? बिल्कुल आप देख रहे हो, तो यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्रीन में देख रहे हो तो मॉनिटर है। क्या है ये? मॉनिटर है, स्क्रीन में देख रहे हो ना, बिल्कुल ठीक। प्रिंटेड फॉर्म में जो चीज मिलती है वो कहाँ से आती, तो प्रिंटर से निकल करके आती है। तो आउटपुट डिवाइस क्या हुई, मॉनिटर तथा प्रिंटर, यानी कि जो हमें बिल्कुल हमें दिख रहा है, हाँ हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मॉनिटर लिखा है, प्रिंटर लिखा है, दो प्रश्न आउटपुट डिवाइस लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है, देख रहे हो ना, तो मॉनिटर। ठीक, प्रिंटर क्या है, जो आपके पास में प्रिंटेड फॉर्म में निकल करके आ जाता है, क्लियर है। फिर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जानने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जानने के लिए क्या चीज का हम प्रयोग करते हैं, ड्रैगिंग का, ड्रॉपिंग का, राइट क्लिक का, लेफ्ट क्लिक का, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आपसे माउस के बारे में पूछा जा रहा है कि माउस को आपको कैसे यूज करना है। माउस को पकड़ करके जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज है, खींच के नीचे ला दिए, ठीक है, ड्रैग कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ, ड्रॉपिंग मतलब उठा के वहां पे छोड़ देना, उठा के छोड़ देना, राइट क्लिक हो गया यहाँ पे, राइट क्लिक माउस का बता रही हूँ, राइट क्लिक यहाँ पे दबाओगे तो लेफ्ट क्लिक हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या करना रहता है बताइए। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में हम कैसे पहुंचते हैं, तो प्रॉपर्टीज में जाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर्टीज में जाने के लिए हमको राइट क्लिक करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, राइट क्लिक करना पड़ता है, तब जाकर के हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं। ट्राई करके देखिएगा, पता चल जाएगा अपने आप लोगों को, ठीक है। फिर क्या है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, कीबोर्ड का, ALU का, CPU का, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है, कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, अभी हमने डिस्कस किया है, कहाँ देख रहे हो, मोबाइल की स्क्रीन में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, तो ये अपने कंप्यूटर में देख रहे हैं, डेस्कटॉप में देख रहे हैं, तो क्या चीज में देख रहे हो, मॉनिटर में देख रहे हो, ठीक है, यानी कि जो डिस्प्ले है वो क्या कहलाता है, मॉनिटर कहलाता है, ठीक। फिर उसके बाद में इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, क्या चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल करके रखिए, अक्सर ये एग्जाम में पूछा गया है, क्या चीज इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक नहीं है इनपुट डिवाइस, या मैग्नेटिक टेप नहीं है, या मॉनिटर नहीं है, या मैग्नेटिक डिस्क नहीं है, इनमें से कोई नहीं। इतने बार दो क्वेश्चन हमने देख लिया कि मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट तो होगा ही नहीं, तो जब ये इनपुट नहीं होगा तो टिक कर दीजिए, बोल दीजिए कि हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, बताओ तो कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट है, इनपुट है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है आपसे पूछा गया है। तो कीबोर्ड क्या होता है, तो कीबोर्ड आप उसमें क्या करते हो, अल्फाबेट जो कुछ भी आपको लिखना है आप टाइपिंग के लिए यूज करते हो, जब टाइपिंग के लिए यानी कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, क्या कर रहे हो, दे रहे हो, देना दे रहे हो, कंप्यूटर आपसे ले रहा है, तो इनपुट होता है, क्या होता है, इनपुट, ले रहा है, वो खुद देगा तो उसको क्या बोल देंगे हम, आउटपुट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है, तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ठीक है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं, बताओ तो आउटपुट का एक माध्यम क्या है, तो आउटपुट का एक माध्यम प्रिंटेड फॉर्म में चीजें कहाँ से आती हैं, प्रिंटेड फॉर्म में चीजें प्रिंटर के माध्यम से आती हैं, जब प्रिंटर के माध्यम से आती हैं तो करेक्ट आंसर बोलिए कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है,
ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ से आप लोग अब क्या कंक्लूड करोगे, तो यहाँ से आप लोग कंक्लूड करोगे कि ये जो स्कैनर है ना, ये जो स्कैनर है और ये जो माउस है और कीबोर्ड है, ये क्या है, तो ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। ये सभी के सभी इनपुट डिवाइस है, क्यों? क्योंकि प्रिंटर तो हमारा आउटपुट है भाई, तो ये तो तीनों इनपुट है। यहाँ से भी याद करना है बस चीजें, ठीक। फिर क्या, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। क्या है कंप्यूटर सिस्टम में? टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को प्रवेश कराना है। कैसे प्रवेश कराओगे? टेक्स्ट कहाँ से लिख सकते हो, न्यूमेरिकल डेटा कहाँ से लिखोगे? कीबोर्ड में, स्कैनर में, प्रिंटर में, प्लॉटर में, या इनमें से कोई नहीं, बताइए कैसे? तो कीबोर्ड में क्या रहता है? अल्फाबेट्स रहते हैं, जी हाँ रहते हैं। नंबर्स देखे हो क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, नंबर्स भी हमने देखा है। कहाँ से कहाँ तक देखे हो? हमने ना 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स देखे हैं। उसके अलावा आप और क्या देखते हो? उसके अलावा बहुत सारे कीज देखते हो। उसके बाद में आप लोग क्या देखते हो, जो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट्स हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये सभी चीजें। अल्टीमेटली आपसे तो पूछा गया टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा कैसे प्रवेश कराओगे, प्रवेश कराना है, दे रहे हो, तो इनपुट डिवाइस के बारे में बोला गया। तो इनपुट डिवाइस क्या है यहाँ पे, कैसे देते हैं हम टेक्स्ट और न्यूमेरिकल? कीबोर्ड के माध्यम से। कहाँ से? कीबोर्ड के माध्यम से, ठीक है। फिर आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं। क्या चीज को आउटपुट डिवाइस संभव बना देते हैं? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, या तो मतलब मेरे को लगता है ऑप्शन पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और आप लोग आंसर बता दोगे। डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना, या इनमें से कोई नहीं, बताओ। तो आउटपुट डिवाइस क्या संभव कराते हैं? तो आउटपुट डिवाइस सिंपल है ना, अभी हमने इतने बार देख लिया कि मॉनिटर प्रिंटर, तो डेटा को दिखा रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है। हार्ड कॉपी कैसे तैयार करते हो? प्रिंटर के द्वारा, फ्लॉपी के द्वारा, हार्ड डिस्क के द्वारा, सीडी के द्वारा, या इनमें से कोई? हार्ड कॉपी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी नहीं चाहिए हमें, हमें तो हार्ड कॉपी चाहिए। कहाँ से लेते हो हार्ड कॉपी? प्रिंट करवा के, तो प्रिंटर द्वारा हमें हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, ठीक है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? किस समूह में इनपुट डिवाइस? खोजो, अभी हमने देखा, खोज के निकालो, बताओ क्या है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से कोई नहीं, बताओ। इनपुट डिवाइस पूछा गया आपसे, केवल इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, मॉनिटर ना बाबा, इसमें तो देखते हैं हम, प्रिंटर, हार्ड कॉपी मिलती नहीं, बिल्कुल नहीं है प्रिंटर। अगेन, अरे तुम तो मतलब दो हो तो बिल्कुल काट दो, जब कट गया तो एक बचा, तो ये तो बिल्कुल आंसर होगा ही। और अभी हमने जस्ट याद भी किया है कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आशा है आप लोगों ने भी यही बताया हो। स्कैनर स्कैन करता है, क्या चीज को स्कैनर स्कैन कर लेता है भाई, बताइए? तो स्कैनर क्या चीज को स्कैन करता है? पिक्चर्स को, टेक्स्ट को, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को, या ना तो पिक्चर्स को स्कैन करता है और ना ही टेक्स्ट को, या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर? तो देखो, स्कैनर है, स्कैनर ना पिक्चर्स को भी स्कैन करता है और टेक्स्ट को भी स्कैन करता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पिक्चर्स भी स्कैन हो जाती है, साथ में टेक्स्ट भी स्कैन हो जाती है। जैसे कि आप कुछ लेकर के गए हो, ठीक है, आप अपनी फोटो ही लेकर के गए, तो इसको भैया स्कैन कर दो, स्कैन करके आपको दे दिया उन्होंने, तभी तो जाकर आप अपलोड करते हो कि नहीं अपने फॉर्म में, बिल्कुल वहां से। टेक्स्ट भी स्कैन हो जाते हैं, आप लिखते हो, साइन करते हो, साइन बोलते हो स्कैन कर दो, तो आपको स्कैन करके वो दे देते हैं, आप लोग अपलोड कर देते हो अपने फॉर्म में, करते हो ना, तो बस वहां से रिलेट कर सकते हो, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बस याद, अच्छा हमने ये किया, बस आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है। फिर कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, क्या चीज भाई
ये कंप्यूटर पर गेम कैसे खेलते हैं, माउस के जरिए, जॉयस्टिक के जरिए, कीबोर्ड के जरिए, पेन ड्राइव या इनमें से कोई नहीं। कौन आसान बना देता है कंप्यूटर पर गेम खेलना? तो कंप्यूटर पर जो गेम खेला जाता है ना, किसकी मदद से खेलते हैं? जॉयस्टिक आसान बनाता है। जॉयस्टिक देखो याद कैसे करोगे, देखो जब गेम खेलते हैं तो बहुत ही एंजॉय करते हैं ना, जब एंजॉय करते हैं तो जॉय आया ना, तो जॉयस्टिक क्या करता है, तो जॉयस्टिक गेम खेलना आसान बना देता है। बस जब हम खेलते हैं तो एंजॉय करते हैं, एंजॉय से जॉय को हटाओ, जॉयस्टिक को जोड़ दो, तो वहां से आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? भौतिक पुर्जा है या प्रिंटेड पुर्जा है या प्रिंटेड आउटपुट है या आउटपुट डिवाइस है या इनमें से कोई नहीं है, बताओ तो क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? देखो हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी मतलब प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, तो प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए मतलब कि वो क्या प्रिंटेड आउटपुट है, क्या है प्रिंटेड आउटपुट है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट कॉपी भी आउटपुट है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है लेकिन आपके किसमें, डिजिटल डिवाइस में ही है अभी वो, ठीक है, वो आपके पास निकल के आई नहीं, लेकिन हार्ड कॉपी निकल के आ गई, वो कैसे फॉर्म में आई है, प्रिंटेड फॉर्म में एक आउटपुट मिल गया आपको। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ पे, तो प्रिंटेड आउटपुट है। फिर पूछा गया आपसे कि कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को कहते हैं क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं, फंक्शन की बोलते हैं, अल्फा न्यूमरिक की बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं। ये तो दो बार हो गया ना, इनमें से कोई नहीं, तो इसको काट दो, बताओ क्या बोलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ये कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट है ना, तो ये क्या, देखो फंक्शन की क्या होता है, तो फंक्शन की F1 F2 ये सब होता है, ठीक है, F1 F2 F3 यानी कि F12 तक आपकी फंक्शन की हो गई। ठीक, अब उसके बाद में आपसे अल्फा न्यूमरिक की, अल्फा न्यूमरिक की में आपको क्या चीज को प्रेस करना रहता है, जहाँ पे अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल्स, ये सब जो दोनों अल्फा न्यूमरिक की हो गया। लेकिन ये कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये सब मॉडिफायर की के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मॉडिफायर की, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट तथा ऑल्ट को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफायर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लीजिए क्या बोलते हैं हम इसको, मॉडिफायर की बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, क्या बोलते हैं, किसी उत्पाद पर जो प्रिंटेड लाइन के जो पैटर्न होते हैं उसको हम OMR बोलते हैं या बारकोड्स बोलते हैं, बारकोड्स बोलेंगे या OCR बोलते हैं या स्कैनर बोलते हैं या इनमें से कोई नहीं, बताइए तो क्या बोलते हैं इसमें से। किसी उत्पाद पर जो प्रिंटेड लाइन लिखी रहती है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, नन ऑफ द, वो यहाँ पर लिखा है, बताओ क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रिंटेड लाइनों को, ऐसे ऐसे काला काला बना रहता है ना यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे देखें तो ऐसे करके बना रहता है ना लाइन, ऐसे करके लाइन बना रहता है, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बारकोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बारकोड बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। MICR में सी का पूरा रूप बताना है हमें, MICR में सी का पूरा रूप क्या होगा हमारा, कोड होगा, कलर होगा, कैरेक्टर होगा, कंप्यूटर होगा या इनमें से कोई नहीं, बताइए तो क्या होगा यहाँ पे, आपको बताना है। मैंने आपको क्या बताया, कोई भी चीज़ बताना है तो कैसे बताओगे, पॉज कर लो, सोचो क्या होगा आपका आंसर, उसके बाद में जब हम आंसर यहाँ पे देख रहे हैं तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकलना चाहिए। एक्सक्यूज मी प्लीज, नाउ वी शैल कंटिन्यू। तो बताओ MICR में सी क्या होता है, तो सबसे पहले तो यदि आपको पता है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर
रिकग्निशन। तो यहाँ पे यदि आपको ये पता है तो सी आपका डायरेक्टली निकल जाएगा, तो क्या होगा, कैरेक्टर होगा। क्या होगा, कैरेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन, यानी कि कौन सा की किसी दूसरे की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। किसी विशिष्ट कार्य को करना है तो आप किसको यूज करोगे, फंक्शन की को, कंट्रोल को, स्पेस बार को, एरो को, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम मान करके चलो आपको कहीं पे कुछ कट पेस्ट करना है, तो आप क्या चीज, या फिर कॉपी करना है, आप क्या करते हो वहां पे, कंट्रोल का यूज करते हो क्या? जी हाँ, हम कंट्रोल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि आपको कोई कार्य करना है तो आप किसके कॉम्बिनेशन के साथ में उसको यूज करते हो, तो कंट्रोल के साथ में यूज करते हैं। ठीक है, यदि शिफ्ट देता तो शिफ्ट को भी यूज की में लाया जाता है, लेकिन शिफ्ट तो है नहीं यहाँ पे, यहाँ पे फंक्शन, स्पेस बार और एरो दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते, अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस, या इनमें से कोई नहीं। अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है, तो कंप्यूटर में इनपुट फिर कैसे करते हैं, ठीक, तो कंप्यूटर में फिर इनपुट कैसे किया जाएगा, स्कैनर के माध्यम से, अंकीय कोई कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट, हम वहां पे मॉनिटर, क्या है मॉनिटर, तो हमारा आउटपुट है। कीबोर्ड में तो हम क्या यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड में यानी कि हम कैरेक्टर, हम टेक्स्ट ये सब यूज कर रहे हैं, नंबर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल यूज कर रहे होते हैं। माउस में तो हम मतलब कि ड्रैग ड्रॉप, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें इनपुट देने की बात की गई है, तो वो स्कैनर के माध्यम से होगा। ठीक है, तो यही पे हम एंड करेंगे क्या आज की क्लास को, चलो 25 क्वेश्चन कर ही लेते हैं आज की क्लास में। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं बताइए, तो 1, 2, 3, 4 या 5 प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न आए हैं और आ भी सकते हैं। तो प्रिंटर कौन से प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पे इसको सोचेंगे और उसके बाद में बताएंगे। कल हम कल की क्लास में यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे, नहीं करते 20 क्वेश्चन आज की क्लास में करते हैं हम, नेक्स्ट सेशन में फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद जय भारत।